दिल सबके पास लेकिन धड़कने का अंदाज सबका अलग। सोच सबके पास लेकिन सोचने का अंदाज सबका अलग। और यही कहीं ना कहीं हर किसी को अलग बनाती है सोच। हर कोई सोचता है, सबके सोचने का अंदाज अलग होता है, और यही आप और हमारे में एक डिफरेंस क्रिएट करती है। समझ रहे? चलिए, रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 के बारे में बात करेंगे। मेंस का एग्ज़ाम कैसे आपको प्रिपेयर करना है और कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने भरा था, अगर आपको मिलता है, किस हिसाब से आपको मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस मेन स्टेज के बाद भी आपका एग्ज़ाम होना है, पता है आपको? नहीं पता है, वीडियो देखते रहिए। और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, प्री के कट ऑफ कितने गई थी और मेंस की कट ऑफ क्या जा सकती है, वो सब कुछ यहाँ एक इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा मेंस आप कैसे क्रैक कर सकते हो, सिलेबस क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, कट ऑफ क्या जाएगी। अगर आपको अगर आगे आप जाते हो तो स्टेशन मास्टर के लिए या गुड गार्ड के लिए क्या क्या दूसरा एग्ज़ाम है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, टाइपिंग टेस्ट किस 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 एग्ज़ाम के लिए है, टाइपिंग टेस्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले अगर चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन। नीचे जो लाल रंग का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब नाउ का, उस पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ जाके रिंगिंग बेल पे क्लिक कर दीजिए, आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएंगे। रेलवे कैसे तैयारी कैसे करें, SSC की तैयारी कैसे 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 करें, बैंक की तैयारी कैसे करें, हर RBI की तैयारी कैसे करें, हर चीज़ का यहाँ सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अस, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हाँ शॉर्ट में बात करेंगे और हर टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू यहाँ से करेंगे, सिलेबस और पैटर्न देखेंगे। सिलेबस और पैटर्न पहले देख लेते हैं। अच्छा, सिलेबस और पैटर्न से पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, अब तक हुआ क्या है, NTPC में हुआ क्या है। और मेंस बहुत लोगों के दिमाग में होगा, ये मेंस तो पहले क्यों नहीं था, अब ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। मेंस हमारे लिए पहले तो नहीं था, एक प्री एग्ज़ाम था, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट कह लें या टाइपिंग टेस्ट था। ये मेंस पहले नहीं था, ये मेंस क्यों आ गया, ये मेंस क्यों हो रहा है ना दिमाग में, उसके में हम डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ पहले देख लेते हैं अब तक हुआ क्या है और क्या रेलवे कर रहा था जो रिजल्ट इतनी देर में आया है, उन सबकी वजह क्या है। ठीक है, चलिए पहले वो ढूंढते हैं। चलिए RRB NTPC 2016 प्री कब हुआ था? मार्च और अप्रैल में हुआ था प्री का एग्ज़ाम। रिजल्ट कब आया है? दिसंबर को, 7 या 8 दिसंबर के एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है रिजल्ट आया है। ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा। मेंस क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा रीज़न ये है, मेंस क्यों हो रहा है। पहले तो स्टेज 2 नहीं था, स्टेज 2 क्यों कराया जा रहा है, उसकी सबसे मेन वजह है चीटिंग। चीटिंग कहाँ? दो ही शहर हैं जहाँ, UP और हरियाणा, जहाँ चीटिंग हुई है और धड़ल्ले से हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हुए दिमाग में स्टूडेंट के, कैंडिडेट के, और या इवन रेलवेज के ऑफिसर्स के, और रेलवे के जो बोर्ड था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है RRB, कि अब क्या करें, चीटिंग हो गई है, कहीं इससे प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं स्टूडेंट इससे भड़क ना जाए, कहीं स्टूडेंट ये ना कर दें कि ये तो अनफेयर है उनके लिए। तो वो क्या लेके आए? मेंस। ठीक है, मेंस क्योंकि प्री में कई जगह, यूपी में, इलाहाबाद में, हरियाणा में, कई जगह पे सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉरी सॉफ्टवेयर कैप्चर करने की शिकायत आई थी कि सॉफ्टवेयर कैप्चर करके चीटिंग कराई जा रही है, बहुत जगह चीटिंग। इसलिए उनको इसको प्योरीफायर करने के लिए ये मेंस कराना पड़ रहा है। RRB NTPC का मेंस हो रहा है, ये पहली बार हुआ है। इसके पहले पेपर कब हुआ था? 2012 में, 2012 में हुआ था RRB NTPC, फिर 2015 में आया है, 2016 में एग्ज़ाम हुआ है इसका। हालांकि ये 15 नहीं, इसको 16 ही बोलेंगे, इसको सॉरी 16 नहीं 15 ही बोलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन 2015 में आया था और 2016 मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ है, दिसंबर में जिसका रिजल्ट आया है।
2012 में लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद 3 साल बाद 15 में आया है, होपफुली 17 या 18 में कब भी आएगा वो कोई नहीं कह सकता। कि रेलवे का देखिए रिक्वायरमेंट वो सबसे गंदा है कहना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे गंदा है, सबसे लेजी है और सबसे धीरे काम करने वाला कोई बोर्ड है, अगर रिक्रूटमेंट बोर्ड है तो वो रेलवे है, कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेजी काम होता है यहाँ पे। 2012 के बाद 2015 में रिक्रूट आया है RRB NTPC का, जिसमें लोगों सॉरी आपके लिए ट्रैफिक अपडेट्स कमीशन स्टेशन मास्टर और गार्ड की ये पोस्टें 2012 में आई थी, फिर 2015 में आई हैं। 2012 में कोई मेंस नहीं हुआ था, ठीक है, 2012 में कोई मेंस की एग्ज़ाम नहीं हुआ था, सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जो स्टेशन मास्टर के लिए साइको या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो होता है, क्लर्क के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो किया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, कोई मेंस नहीं था। इस बार मेंस रखा गया है क्योंकि इस बार दो चीज़ें नई थी, पहला ऑनलाइन और दूसरा मेंस, ये फर्स्ट टाइम किया गया है, ठीक है। ऑनलाइन भी नहीं था पिछली बार 2012 में, ऑनलाइन भी पेपर नहीं था, ऑफलाइन पेपर था, और मेंस भी नहीं था, इस बार है। मेंस सिर्फ और सिर्फ चीटिंग के लिए किया जा रहा है और इसकी कोई वजह नहीं है। एक चीज़ और जान लीजिए आप, 18,000 वैकेंसी हैं, ठीक है, एक मिनट, एक चीज़ें मैं आपको और बता दूँ और क्लियर कर दूँ, 18,000 वैकेंसी हैं टोटल, ठीक है, टोटल जो वैकेंसी हैं 18,000 हैं, तो आप 18,000 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये मैंने बहुत पहले जब नोटिफिकेशन आया था तभी बताया था, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए चंडीगढ़ बोर्ड से भरा है, ठीक है, चंडीगढ़ बोर्ड से भरा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इलाहाबाद बोर्ड से भरा हुआ है, ठीक है, इलाहाबाद बोर्ड से भरा हुआ है, अगर आपने रांची बोर्ड से भरा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोलकाता बोर्ड से भरा हुआ है, तो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर चंडीगढ़ में 300 वैकेंसीज हैं, इलाहाबाद में कुछ 3,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है, रांची में फॉर एग्जांपल मान लीजिए 500 वैकेंसीज हैं, कोलकाता में मान लीजिए तकरीबन 600 वैकेंसी हैं, तो जिन्होंने चंडीगढ़ बोर्ड से भरा है वो सिर्फ इतने सीटों के लिए ही एलिजिबल हैं, ठीक है, ये बात याद रखिए। आप 18,000 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप सिर्फ 300 सीटों के लिए एलिजिबल हो। इलाहाबाद बोर्ड वाले 3,000 सीटों के लिए एलिजिबल हैं, बाकी 15,000 वैकेंसीज पे क्या हो रहा है उनको कोई भी रिक्रूट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, मान लो आप मुंबई से हो, ठीक है, आपने मुंबई से भरा हुआ है, ठीक है, मुंबई की कट ऑफ अगर मान लीजिए जाती है 72, ठीक है, मान लेते 72 गई है, अहमदाबाद की कट ऑफ 70 गई है, ठीक है, आपके नंबर हैं 71, ठीक है, आपने मुंबई से भरा था, आपके नंबर 71 है, आप मुंबई से क्वालिफाई नहीं हो, आप अहमदाबाद में ज़रूर क्वालिफाई करते हो, 70 नंबर वहाँ कट ऑफ गई, वहाँ 71 आपके नंबर हैं, तो क्या आपको अहमदाबाद में रिक्रूट किया जाएगा? नो no। ये एक भ्रम था कि 18,000 वैकेंसी आई हैं, सबसे बड़ा भ्रम यही था कि 18,000 वैकेंसी आई हैं, आप 18,000 वैकेंसी से एलिजिबल हो ही नहीं, आप सिर्फ मुंबई में जितनी वैकेंसी सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल हो। मान लीजिए आपने रांची, मान लीजिए आप रांची की बात कर ले, रांची में सिर्फ 50 नंबर ही कट ऑफ गई है, आपके 71 है, आप मुंबई से भर रहे हो, तो आपको रांची नहीं रिक्रूट किया जाएगा, आप फेल्ड हो। एक सबसे बड़ा भ्रम था जो लोगों के अंदर था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ये क्लियर कर लीजिए, जहाँ से आपने भरा है सिर्फ आप वहीं से लड़ रहे हो, 18,000 वैकेंसीज पे नहीं लड़ रहे हो, जबकि SSC और बैंक में ऐसा नहीं होता है लेकिन रेलवे में ऐसा हो रहा है, ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सिलेक्शन जो किए गए हैं, ठीक है, सिलेक्शन जो किए गए हैं उन्होंने ये कहा था कि एक सीट पे वो 15 सिलेक्शन करेंगे, 15 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उन्होंने किया है, 18,000 वैकेंसीज हैं तो 2.7 लाख का सिलेक्शन हुआ है, ये फेयर है, ये ऐसे किया गया है, ये तकरीबन अप्रोक्सी 3 लाख लोगों को लिया गया है मेंस के लिए, ये सही है, ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने किया है, लेकिन 3 लाख वो नहीं है जो 18 लाख 18,000 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, ये बात भी याद रखिए, वो सिर्फ पर्टिकुलर अपने बोर्ड के
के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न की। क्या करना है आपको मेंस में, कैसे पढ़ना है आपको मेंस में, क्या करना होगा, कहाँ ज़्यादा फोकस करना होगा, कहाँ कम फोकस करना होगा, मेंस में पेपर कैसा लेवल आएगा, क्या प्री जैसा आएगा या कुछ नया आएगा, या पेपर का लेवल ऊपर होगा नीचे होगा, कट ऑफ क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये देख लीजिए, मोटा मोटा मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का कुछ आएगा। लेकिन बट परंतु और किंतु एक बात याद रखिए, जो प्री का पेपर आया था, प्री का जो पेपर आया था वो क्या था, मिक्स था। मतलब पहला क्वेश्चन अगर मैथ का है तो ज़रूरी नहीं अगला क्वेश्चन भी मैथ का हो। पता, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का था, फिर अगला पता नहीं रीजनिंग का है कि नहीं है, वो पता चला जीके का था, फिर अगला पता चला फिर मैथ का था, फिर रीजनिंग का था। इस तरह प्री में आपने दिया था, मिक्स क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन मिक्स थे प्री में। ओके, मेंस का भी कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको समझाने के लिखा है कि चार चीज़ें आएंगी, अर्थमेटिक एबिलिटी है, मैथ, रीजनिंग है जिसे जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। तो एक चीज़ और याद रखिए आप, कि प्री का जो पेपर था उसमें कोई भी गेस नहीं कर पा रहा था कि साइंस से कितने क्वेश्चन आए हैं, जनरल अवेयरनेस कितने क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन कितने आए हैं, अर्थमेटिक से क्वेश्चन कितने आए हैं। ये गेस करना बहुत मुश्किल, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स थे, सांस लेने का टाइम तो था नहीं, आप क्वेश्चन कहाँ गिनोगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ मेंस में भी जाएंगी, क्योंकि 120 क्वेश्चन आएंगे। प्री का जो प्री का क्राइटेरिया जो था वो 100 क्वेश्चन थे 90 मिनट के लिए, और मेंस का जो क्राइटेरिया है, मेंस की अगर बात कर लें तो टाइम जो है वो 90 मिनट ही है, क्वेश्चन जो हैं वो बढ़ गए हैं 120। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और पेपर का लेवल जो होगा इस बार, पिछली बार इजी टू मॉडरेट था, तो इस बार क्या होगा, सेम होगा। जी बिल्कुल सेम होगा पेपर, पेपर का कोई लेवल बढ़ाया घटाया नहीं जाता है, रेलवे इतना होशियार नहीं है। ठीक है, रेलवे रिक्रूट करता है, उसके पेपर आप उठा के प्रीवियस करके देखेंगे, हमने स्टडी किए हैं, हमने देखे हैं उनके पेपर में, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी सीजीएल देते हैं, मेंस देते हैं, वो तो लेवल काफ़ी ऊपर हो गया। ठीक है, बेसिक लेवल का आएगा, मॉडरेट लेवल, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर आपको 120 क्वेश्चन वो इजी दे देंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ठीक है, पेपर ऐसा कहीं नहीं होता है। जो पॉसिबिलिटी बन रही है, जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो 120 क्वेश्चन में से तकरीबन 70 क्वेश्चन जो होंगे इजी होंगे, और बाकी के 50 क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है, ये जो पिछले साल के पेपर स्टडी करने के बाद रेलवेज का जैसा पैटर्न रहा है उसको देखने के बाद ये आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 70 क्वेश्चन जो इजी होंगे और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है, चलिए प्री में क्या आया था, प्री में आया था जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था इस जगह पे, लगभग 50% आपका पेपर यहाँ से कवर होता है, ये भी तो आप गौर करें, 60 क्वेश्चन 120 में 60 क्वेश्चन, मतलब 50% जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ में कवर होता है, तो यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इंग्लिश नहीं आ रही है, चांसेस थे, फिलहाल कोई नोटिस नहीं है इस चीज़ को लेकर कि इंग्लिश आएगी, अभी तक रेलवे में इंग्लिश आती ही नहीं है। ठीक है, NTPC में तो नहीं आई है, तो आगे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मींस पहली बार हो रहा है, शायद हो, शायद की बात थी, लेकिन फिलहाल अभी कोई नोटिस नहीं है, इंग्लिश नहीं आ रही है। और फोकस कहाँ करना है आपको, जनरल अवेयरनेस और साइंस पे, जनरल साइंस पे। जनरल साइंस में क्या क्या आता है हम आगे डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक में क्या आता है वो भी डिस्कस करेंगे, रीजनिंग में क्या आता है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहले कहाँ से, यहाँ से बात करते हैं मैथ की। देखिए ये अर्थमेटिक है और एडवांस भी पूछा जाता है, जिसमें आपका एलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ये दो चीज़ें और हैं, एरिया वैल्यूम तो यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें और हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न था प्री में भी लोगों को कि एलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री है कि नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज़न जब दूर हुआ, जब भी क्वेश्चन एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के प्री में आने लगे। देखिए, प्री का जो सिलेबस था वही मेंस में है, पेपर का लेवल थोड़ा सा वो इधर उधर कर सकते हैं, पूरा सिलेबस प्री का ही मेंस में जा रहा है,
बाकी कोई चेंजेस नहीं किए, 20 क्वेश्चन बढ़ाए हैं, वो 20 क्वेश्चन वो मेरे ख्याल से जनरल अवेयरनेस से 5 से 10 क्वेश्चन बढ़ाएंगे या तो मैथ से, अभी हम देखते हैं हम क्या हो सकता है। ठीक है चलिए, अर्थमेटिक की बात करें, DI पूरे पूरे चांसेस हैं कि एक DI तो श्योर शॉर्ट है, 5 नंबर की एक DI श्योर शॉर्ट है आएगी। ठीक है, DI से आप कहीं नहीं बच सकते, चाहे बैंक हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे RBI हो, कोई भी पेपर हो, DI बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश में RC होता है ना, रेलवे 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 निकल रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो हर जगह आता है, जहाँ इंग्लिश होगी वहाँ RC होगी, जहाँ मैथ होगी वहाँ DI होगी ही होगी। ठीक है, तो एक DI 5 नंबर की पक्की है, वहाँ से आप नहीं बच सकते। बाकी टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, पाइप डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, मार्जिन डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड कैलकुलेशन, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर क्वाड्रेटिक, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और एरिया एंड वैल्यूम, इन सब से एक से दो दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक से दो दो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटी हैं, एलजेब्रा के 2 से 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, 2 से 4 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल देखिए क्वेश्चन कितने आएंगे कभी वो पता नहीं चल पाता है, लेकिन जो प्री का जो हुआ है उसके आधार पे हम कह सकते हैं यहाँ से आपको 25 से 30 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट हैं इस सेक्शन से आपको मिलेंगे। ठीक है, इस सेक्शन से 25 से 30 क्वेश्चन आपको आराम से मिलने वाले हैं। और ठीक है, और क्या बोलूँ, ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। और क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे मैंने बता दिया है, इस क्वेश्चन से इस पार्ट से आएगा। पेपर का लेवल जो होगा, इसका जो पेपर का होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा, और अगर देखा जाए तो 60% मॉडरेट होगा और 40% ईजी होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, सबसे इजी सेक्शन यही होता है जहाँ से आप स्कोर कर सकते हो, यहाँ भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या हमारे पास है, एनालॉगी है, इनक्वालिटीज क्वालिटीज़ है, क्लासिफिकेशन ऑड पेयर है, सेलिज्म है, अल्फा न्यूमेरिक है, डिसीजन मेकिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, विजुअल के जो पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं ये भी मस्ट हो गए हैं बैंक्स में, सॉरी रेलवे SSC में अक्सर आता है, इमेजेस के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के ये क्वेश्चन अक्सर अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एलिजिबिलिटी टेस्ट, वर्बल यूजुअल एनालिसिस, अर्थमेटिक रीजनिंग, सिटिंग, सर्कुलर अरेंजमेंट, पजल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में ये ज़्यादा देखी गई थी, हर प्री के हर पेपर में सिटिंग, सर्कुलर और पजल से क्वेश्चन देखे गए थे, ये इम्पॉर्टेंट है। मेंस में क्वेश्चन इसके आएंगे और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आएंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नीचे से सिटिंग वाला पजल वाला दिखता है, क्योंकि प्री में इसके क्वेश्चन देखे गए थे, अरेंजमेंट के अरेंजमेंट के क्वेश्चंस और सीटिंग के क्वेश्चंस प्री में देखे गए थे, मेंस में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से एक 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 से दो एक एक दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इन दोनों में से आएंगे। ठीक है, पेपर जो है वो है, यहाँ बात करें तो 80% पेपर जो होता है ईजी होता है और 20% मॉडरेट बनेगा, जो प्री में देखा था उस हिसाब से बता रहे हैं। मेंस का भी कुछ अगर बढ़ाएंगे ग्राफ तो कुछ ऐसा बढ़ के आने वाला है। ठीक है, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। रीजनिंग कहीं पढ़ने या सीखने से नहीं होता है, प्रैक्टिस से होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना रीजनिंग में आप कमांड कर पाएंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं वो चीज़ जो रेलवे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ से मोर देन 50% कवर करते हैं। प्री में अगर बात करें, प्री में कुछ पेपरों में तो 60% जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस ने कवर किया था, मैथ और रीजनिंग को घटा दिया था उन्होंने, फोकस वो यहाँ करते हैं। क्या क्या है हमारे पास जनरल अवेयरनेस में, इंडियन इकोनॉमिक है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन रेलवे फैक्ट्स है, फीचर है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कल्चर है, एक चीज़ आप देख रहे हो इंडिया, जी इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, खासतौर से यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे, कल्चर और हेरिटेज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे प्री में। ठीक है, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, इंडियन जो है, देखिए ज्योग्राफी पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है आपको, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। मैं बताऊँ आपको, कल्चर और बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे प्री में। ठीक है, रेलवे फैक्ट और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बहुत सारे आए थे,
इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन रेलवे, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्री में आए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और इससे फोकस मेंस में भी होगा। तो आपका मूल मंत्र जो है ये ऊपर वाला ही है। बाकी बात कर लें करंट अफेयर से, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे और पूछे जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन भी बने थे जो साइंस और टेक्नोलॉजी स्टैटिक अफेयर से, ये आगे हम बात करेंगे क्योंकि इसमें साइंस भी आ जाता है, इसलिए हम आगे बात करेंगे। बुक्स, ऑथर, कल्चर, पर्सन, सेलिब्रिटीज़ मतलब कल्चर और इन पे कुछ ज़्यादा ही फोकस था प्री में, रेलवे ने कुछ ज़्यादा ही फोकस किया था इन सब चीज़ों पे, कल्चर पे, पर्सन और पर्सन इन सेलिब्रिटी जो अभी न्यूज़ में रहे हैं या उनकी डेथ हुई है, वो सब काफ़ी फोकस था। देखिए उनका जो पूछने का क्राइटेरिया है रेलवे का, वो पूछता ज़रूर है लेकिन कहाँ से, वो करंट से उठा के पूछता है, ठीक है। अगर आपसे वो पूछ रहा है कुछ भी तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं से ये अनसुना है, वो कहीं ना कहीं करंट रहा है इसलिए वहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपसे वो कोलकाता के बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोलकाता न्यूज़ में रहा है इस समय, या कुछ ऐसा कुछ हुआ था इसलिए क्वेश्चन आया है, ऐसे पूछा जाता है। आपको लगता है ये कहाँ से आ गया, वो ऐसा नहीं है। देखिए करेंसी बाहर से बात करें और कैपिटल अगर बाहर की बात करें, मोदी जी जहाँ जहाँ गए हैं करेंसी और कैपिटल वहाँ की रट जाइएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनरल साइंस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। जनरल अवेयरनेस में तकरीबन 30 क्वेश्चन तो मस्ट है, 30 30 क्वेश्चन मस्ट है, वो जो आएंगे ही आएंगे। और जनरल साइंस की बात कर लें तो यहाँ भी 25 क्वेश्चन तो देखने जाने वाले हैं, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वर्टर, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी थे प्री में, और हर एग्जाम में उन्होंने यहाँ से कोशिश किया था, यहाँ से वो पूछे और यहाँ से उन्होंने पूछा था। यहाँ से बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, इजी थे। अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं या रेलवे तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से कर लोगे। केमिस्ट्री के भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। फिजिक्स के थोड़े से बेसिक से मॉडरेट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो साइंस ग्रुप से नहीं है, साइंस से बिलोंग नहीं करते हैं, साइंस उनकी ग्रेजुएशन में नहीं रहा है, उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, अरिहंत की बुक आती है मनोहर मनोहर पांडे जी की, ठीक है, एमसीक्यू ले लें, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक ले लें अरिहंत की, पतली से ज़्यादा बड़ी नहीं आती है, और वहाँ से ये सारे क्वेश्चन फंसेंगे, आते हैं, ठीक है, आते हैं, इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट में मिल जाए अरिहंत बुक, अरिहंत की बुक है ये, मनोहर पांडे द्वारा लिखी गई एमसीक्यू, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलवे में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर ये आप पढ़ जाएंगे, ज़्यादा मोटी वाली मत लीजिएगा, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि टाइम भी आपके पास नहीं है, तो जो ज़्यादा मिनिमम आप कॉस्टली, कम कॉस्टली लीजिएगा जिसमें आप कवर कर सकते हो, बेसिक बेसिक देख लेना क्या क्या है उसमें है कि नहीं आपके काम का, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आपका जनरल साइंस कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बताएंगे कुछ है नहीं, अगर आपने मेरे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कवर किया है जो जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आप देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन, अगर मीन्स आप क्वालिफाई करते हो फिर उसके बाद क्या होगा आपके साथ, क्या आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्या आप एग्ज़ाम में सॉरी क्या आपको जॉब मिल जाएगी या कोई और एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन दिमाग में है ना। चलिए उसके पहले मैं बता दूं गाइस, 16 जून एट द रेट ऑफ gmail.com, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इस पे अपना नंबर मेल कर दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ सजेशन और एडवाइस के लिए जुड़िएगा, क्वेश्चन पोस्ट मत करिएगा वरना ठीक है, क्वेश्चन पोस्ट मैं या क्वेश्चंस नहीं लेता हूँ। अगर आपको इसे रिगार्डिंग कुछ और एडवाइस चाहिए, कुछ और सजेशन चाहिए, तो आ जाइए व्हाट्सएप पे, अपना नंबर गाही GAHI 16 जून @gmail.com पे मेल कर दीजिए और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, हमसे सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, बातें करना चाहते हैं तो भी आ सकते हो यार, बातें करेंगे, मेरे बारे में जानना चाहते हो तो भी आ सकते हो, ठीक है।
चलिए प्रोसीजर देख लेते हैं, प्रोसीजर है क्या अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या होना है। पहले वैकेंसी देख लेते हैं, प्रेफरेंस देख लेते हैं। देखिए प्रेफरेंस कौन क्या देता है ये कभी भी कोई इंसान आपको बताता है ना तो उसको जाके दो लपड़ मारिएगा। पहले तो देखिए हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, ठीक है, हर इंसान की अलग सोच। कोई कहता है मुझे गुडगार्ड में ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं गुडगार्ड की जॉब करूँगा। कोई कहता है कि मुझे ट्रैफिक अप्रेंटिस बढ़िया लगता है, मैं बैठ के सीट पे बैठ के नौकरी करना चाहता हूँ, मेरा वो हॉबी है कि मैं सीट पे ऑफिस वाली नौकरी चाहता हूँ तो मैं ट्रैफिक कमर्शियल ट्रैफिक चुनूंगा। कोई कहता है मुझे ट्रैवल करने की बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं गुडगार्ड की चुनूंगा, ठीक है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा मुझे सीनियर क्लर्क की टाइपिस्ट की मुझे सही है मैं वो। हालांकि जो टाइपिस्ट वाली जॉब होती हैं वो गर्ल्स के लिए बेस्ट होती हैं तो वो चुनेंगी। आपसे कोई कहता है देखो पहली प्रेफरेंस ये देना, दूसरी ये देना, तीसरी ये देना, चौथी, क्यों भाई मैं क्यों दूँ, मुझे तो ये पसंद है ना। तो इसलिए कभी भी आपको कोई बताता है प्रेफरेंस तो वो प्रेफरेंस सुन तो ज़रूर लीजिए, लेकिन चॉइस किसकी होगी वो आपकी होगी, ठीक है। हालांकि ये जो जॉब है ऊपर वाली, इनकी पे ग्रेड जो है वो ज़्यादा है, मतलब पैसे ज़्यादा हैं इनके, इसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी और नौकरी थोड़ी सी हैक्टिक कम है क्योंकि ऑफिस वाली काम है। और गुड गार्ड वाली ये ट्रैवल करने वाली, ये जो गुड गार्ड जो माल गाड़ियाँ होती हैं उसमें ट्रैवल आप करने का आपको मिलेगा, आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। ये जो है क्लर्क की, ये आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। देखिए अभी आगे हम बात करेंगे इस पर करके, वरी मत होइए, ठीक है। ये वैकेंसीज थी और कैसे आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क या गुड गार्ड। इसके बाद अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया उसके बाद क्या है, उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप मेंस भी क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद क्या, अगर इन चार पोस्टों के लिए आपने क्वालिफाई किया तो आपको करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा और 45 दिन की ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा आपको। आपको कोई एग्ज़ाम आगे नहीं देना है, ठीक है, आपको आगे कोई एग्ज़ाम नहीं देना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, आप ट्रेनिंग पे भेज दिए जाओगे, जॉब पाओगे। कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क और गुड गार्ड के लिए, इन चार के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसकी वजह से कट ऑफ जो होगी इसकी सबसे हाई होगी, सबसे हाई कट ऑफ इन चार पोस्टों की होगी, ठीक है। मेंस की जो कट ऑफ होगी इन चारों पोस्टों की कट ऑफ हाई, क्योंकि इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए उनको एक पे तीन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये भी याद रखिए, एक पे तीन सिलेक्शन होगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अगर आपको दो पोस्टें हैं तो छः लोग बुलाए जाते हैं, पता है आपको ये चीज़। रेलवे में ये प्रावधान है कि एक सीट पर तीन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, बाकी लोगों को क्या करते हैं वो स्टैंड बाई में रखते हैं। मतलब अगर कोई जॉब छोड़ता है या अगर कोई आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो उसको बाहर करके आपको बुलाया जाता है, आपको जॉब दे दी जाती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक सीट पर तीन लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, गुड गार्ड। इन चार पोस्टों के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप समझ लो आपकी जॉब 99% पक्की है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे तैयार हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और सीनियर टाइम्स, इसके लिए क्या है, टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। आप इसके लिए क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो आपको जॉब के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट नहीं कराया जाएगा, आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिस पे एक सीट पे तकरीबन 8 लोगों को, ठीक है, 8 लोगों को बुलाया जाता है। अगर 20 सीटें हैं तो 160 लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है, इस तरह समझिए, एक सीट पे 8 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इन तीन के लिए आप क्वालिफाई करते हो तो, इन तीन पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करोगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड होनी चाहिए, ठीक है।
अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो फिर उसके बाद इन तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं बुलाया जाएगा, आपको टाइपिंग टेस्ट के बुलाया जाएगा। इसके लिए सिलेक्शन जो होता है एक सीट पे 8 लोगों को सिलेक्शन किया जाता है। अब अपने आपके यहाँ देख लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क और सीनियर टाइम कीपर की कितनी वैकेंसी है, उसको इंटू 8 कर लीजिए, उतने लोगों को बुलाया जाने वाला है। एक सीट पे 8 लोग बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट लिए। इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं आप तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। एक सीट पे 8 लोग को बुलाया जाएगा। आप देख लीजिए आपके जिस सर्किल में कितनी वैकेंसी है, इंटू 8 कर लीजिए, उतने का सिलेक्शन मेन्स के बाद उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसकी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं होगी, इसकी कट ऑफ मॉडरेट होगी, क्योंकि अभी भी इस पे 1 पे 8 लोगों को बुलाना है, तो कट ऑफ जो होगी इसकी, कट ऑफ जो होगी इसकी मॉडरेट होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर असिस्टेंट की। हालांकि इसकी सीटें सिर्फ कोलकाता में ही हैं, शायद 8 या 4 या 8 सीटें हैं, बाकी कहीं नहीं है। इसकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं और इसके लिए आपको अभी भी साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट कह लें, वो देना पड़ेगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये अगर इसमें फेल होते हो तो आप सीधे बाहर हो। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में फेल होते हो तो आप बाहर हो। इन जो पिछली वैकेंसी डिस्कस की है और ये वैकेंसी डिस्कस की है, इसमें आपको साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड साइको टेस्ट क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियो पूरा आराम से देख लीजिए। साइको टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है वो आपको पता चलेगा। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए आपको साइको या एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी रेलवे कराता है, याद होगा आपको अगर आपने दिया है तो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। ठीक है, मेंस के बाद भी स्टेशन मास्टर के लिए भी लड़ाई है अभी। साइको टेस्ट में भी 1 पे 8 लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, सिलेक्शन होगा, अगर आपके 100 सीटें हैं तो 800 लोगों को बुलाया जाएगा साइको टेस्ट के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। साइको टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो व्हाट इज साइको व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, चलिए इतना कुछ बता गया आपको पता चल गया मेंस के बाद आपका क्या होना है, ये सब होगा। ठीक है, इसका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, मॉडरेट जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी अभी एक एग्जाम और होना है, इसका कट ऑफ जो है वो मॉडरेट के आसपास रहेगा। ठीक है, चलिए अब बुक थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करेंगे कौन सी हैं आपके लिए, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, इसमें प्रैक्टिस सेट है, बजट है रेलवे का, फुली सॉल्व है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर लो। 15 प्रैक्टिस सेट है मेन्स के लिए, स्टेज टूज के लिए। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मार्केट से ले लो, या इसका डिस्क्रिप्शन नीचे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए किरण की सबसे बेस्ट होती है, इनके प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे होते हैं। इनके प्रैक्टिस सेट क्यों अच्छे होते हैं पता है आपको, किरण क्यों चल रहा है, किरण पब्लिकेशन क्यों चल रहा है, क्योंकि इनके जो प्रैक्टिस सेट बनते हैं ना वो प्रीवियस ईयर से बनते हैं, वो जो प्रीवियस ईयर बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनसे ये प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो उससे अच्छा क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। कमर्शियल प्रैक्टिस गुड गार्ड और सबके लिए है ये, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे होगा, बुक 2 के नाम से होगा, आप बाय कर लो। ये इंग्लिश में है, अगर हिंदी में लेना चाहते हो तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगी ये बुक, नीचे डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया होगा, ये हिंदी वर्जन है इसका, ये हिंदी वर्जन है, इसको बाय करना चाहते हो तो बुक 3 के नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ले लें, प्रैक्टिस करें। और देखिए बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं प्रैक्टिस के लिए, आप वहाँ से ले लें या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बुक 1, 2, 3 नाम से, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी जो था सब कुछ डिस्कस कर लिया, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसको वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर gahi16joon@gmail.com पे अपना मेल व्हाट्सअप नंबर मेल कर दे, वहाँ से हम बात कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।